रामपुर के कांग्रेसियों ने भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाया है कि शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक प्रचार किया जा रहा है। भाजपा और आरएसएस के लोग वाहनों में तेज हथियार और डंडे लेकर सरेआम घूम रहे हैं। एनएसयूआई व एसएफआई के छात्रों को धमकाया जा रहा है। इन सब मामलों को लेकर कांग्रेसियों ने एसडीएम रामपुर को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का ध्यान केंद्र सरकार की कमजोरियों से बांटने के लिए इस तरह का माहौल क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है। एसडीएम को ज्ञापन देते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि अब वे भी बेबस हो गए हैं और जवाबी कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे भी गुंडागर्दी का जवाब देने को मजबूर हो जाएंगे। एसडीएम रामपुर नरेंद्र चौहान ने बताया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिए प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। दो दिन पहले रामपुर महाविद्यालय में माहौल बिगड़ने की संभावना थी, लेकिन पुलिस तैनात कर हालात सामान्य किए गए हैं। यूआई और एसएफआई के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ वाद विवाद उत्पन्न हुआ किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन वो परसों थोड़ी सी उन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की थी, जिसको कि हमने पुलिस डिप्लोमेट वहाँ कर दी थी। एसएचओ और काफ़ी फोर्स हमने वहाँ भेजी थी और पूरे दिन भर हमने वहाँ नज़र रखी, लेकिन शांति भंग करने की उनकी कोशिश को हमने रोका और हमने कोई ऐसी उनसे शांति भंग नहीं करने दी और मामले को शांतिपूर्वक सुलझा लिया। और फिर हम